सबसे पहले अपना हाथ लीजिए और मुंह के आगे रखिए और जोर से हवा मारिए और उस हवा को सूंघिए। बहुत खुशबूदार हवा आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो बहुत बढ़िया, और अगर आ रही है तो आपको मेरी जरूरत है। क्या बात है, जबरदस्त टेक्निक है। थैंक यू करना चाहूंगा श्री गणेश जी का, जिनकी कृपा से हम लोग अपने अच्छे कार्य को करते हैं, शुरुआत करते हैं। थैंक यू प्रवीण सर फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। वैसे डेंटिस्ट की जरूरत किसी को ना पड़े, लेकिन अपार्ट फ्रॉम नीरज इमरजेंसीज यू डेफिनेटली रिक्वायर फॉर योर कॉस्मेटिक पर्पसेस। जैसे मैंने कहा बैड ब्रेथ, अब हम बिजनेस नेटवर्किंग में हैं, हम हर एक से वन टू वन आरटीवी करते हैं, आप अपने कस्टमर से मिलते हैं, तो यू नो माउथ योर फ्रेग्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफ्यूम अच्छा लगा लें, लेकिन जो मुंह से जो श्वास आपकी आ रही है वो बहुत जरूरी है। सबने चाय कॉफी पी है, सबसे सुबह उठते हैं चाय कॉफी पीते हैं, उसके स्टेन्स आते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ए वेरी रेगुलर थिंग, लेकिन उसका क्लीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्लीनिंग से हम उसको डेंटिस्ट के पास जाके सफाई करवा सकते हैं। पान मसाला और सिगरेट, ये सबसे वर्स्ट चीजें हैं, इसके लिए भी आपको डेंटिस्ट के पास आना जरूरी है, लेकिन करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली डेंटिस्ट ही आपकी हेल्प कर सकता है इसके अंदर। कब आखिरी बार आप लोगों ने सफाई करी अपने दांतों की? ऐसा तो नहीं आपका जो मुंह है एक बैक्टीरियल कॉलोनी बन गया है, कीटाणु की रहने की जगह जहां पे अजीब अजीब किस्म की चीजें उग रही है। इंक्यूबेशन अगर हम करें बैक्टीरिया की, एक साथ अगर इकट्ठा करें लैब में, तो वो बहुत बड़ी इन्हें रिसर्च में पता चला है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होता है हमारा माउथ। देर आर गुड बैक्टीरियाज एंड देर आर बैड बैक्टीरियाज इन आवर माउथ। गुड बैक्टीरियाज हम आपको हेल्प कर, लेकिन बैड बैक्टीरियाज आप रोज उसको अपने अंदर ही लेके जा रहे हैं। लॉट ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम, डॉक्टर मानेंगे कि लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। आप इवन यूटीआईज, स्टमक इन्फेक्शन, समटाइम्स दे आर द डेंटल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू दैट। इनफैक्ट अगर आज कोरोना काल में अगर आप थोड़ा खासा अगर आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े, वेंटिलेटर पे जो आप लगे हुए, अगर आपकी डेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, इन्फेक्टेड है, तो आप सोचो इन्फेक्शन कहाँ जा रही है, सारी आपके लंग्स में जा रही है। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर बैठी है यहाँ पे, कि आप लोग जब किसी का भी ऑपरेशन करते हैं, आई थिंक वी शुड मेक श्योर कि हम उन लोगों का भी डेंटल चेकअप जरूर कराएं, ताकि उनके अगर कोई लूज दांत है, आर्टिफिशियल टीथ है या डेंटल इन्फेक्शन है, तो वो जरूर साथ साथ उनका वो करेक्शन होना जरूरी है। आपको मैंने ब्रश दिए हैं आज, उस ब्रश का रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रश को टंग क्लीनिंग के लिए भी जरूर यूज करें। बैक ऑफ द टंग वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर योर बैड ब्रेथ, जो कि अगर मुंह की वजह है, अगर अभी कैविटी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो बैक ऑफ द टंग को रोज साफ करें, टंग क्लीनर से साफ ना करें। टंग क्लीनर तो अमेरिकन से बनाए थे आज से 25 साल पहले, लेकिन हम हिंदुस्तानी आज से नहीं हजारों सालों से दातुन का जो प्रयोग कर रहे हैं, साथ साथ टंग को भी क्लीन करते थे, अपनी मुंह से भी साफ करते थे। तो ब्रश इज अगेन अ सॉफ्ट ब्रश इज अगेन अ वेरी वंडरफुल वे ऑफ क्लीनिंग द बैक ऑफ योर टंग, जो कि बड़ा अच्छा है आपके बैड ब्रेथ को दूर करने के लिए। कॉमन कॉजेज ऑफ बैड ब्रेथ, डाइट, खाना क्या खा रहे हैं, अगर लहसुन प्याज बहुत खाते हो तो ऑब्वियसली वो स्मेल आएगी आएगी, ब्रश कर ले खाने के बाद। गंदगी जमा है, प्लाक बिल्डअप, जिसको अगेन स्केलिंग, अगेन हम एम्फसाइजिंग ऑन क्लीनिंग, प्रोफेशनल क्लीनिंग जो कि डेंटिस्ट के द्वारा होती है, उससे काफी पुराने जो स्टेन्स और डिपॉजिट्स आपके मुंह में जमते रहते हैं रोज, वो क्लीन हो जाते हैं। ड्राई माउथ, अगर आप पूरे दिन फास्ट रखते हैं, जिस दिन भी आप फास्ट रखेंगे, आप अपने जू देखेंगे, उस दिन आपको बैड ब्रेथ जरूर आ रही होगी, क्योंकि जो मुंह के जो हेल्दी बैक्टीरिया है, दे ड्राई अप एंड दे कॉज बैड स्मेल। तो पानी से कुल्ला ऐसे ऐसे में अगर आप कर लेंगे, अगर आपको ऐसे कि पानी भी पीना उस वाले फास्ट में, तो आपका मुंह, आपकी जो बैड ब्रेथ है वो ठीक हो जाएगी। माउथ वॉशेज से आपकी बैड ब्रेथ कभी नहीं जाने वाली। माउथ वॉशेज इट इज लाइक कि आपने नहाए नहीं है चार चार दिन और आप परफ्यूम पहन के बस जा रहे हैं, कैसे उठी रहेगा? अगर आपका टीथ पहले, आपके अगर मुंह पहले से ही गंदा है, अगर ठीक से अगर डिजीजेज है, तो माउथ वॉश उसको सिर्फ ओवरऑल करें। कई लोग तो माउथ वॉश का भी पानी से कुल्ला कर लेते हैं, आपने फिर कराई क्यों? ये तो ऐसे हुआ, मलहम लगाए और हम नहाने चले गए, मलहम आप बाद में लगाते हैं। वैसे माउथ वॉश जो है, खाना खा लिया, ब्रश कर लिया, उसके बाद करना है आपने अपना माउथ वॉश। मॉर्निंग ब्रेथ होती है, अगर आपने रात को ब्रश ही करेंगे, ब्रश करके नहीं सुनोगे तो सुबह बैड ब्रेथ आएगी। आइडियल टाइम टू ब्रश इज एट नाइट बिफोर यू स्लीप। उसके बाद कोई दूध चाय कुछ नहीं लीजिए, पानी पीजिए। सुबह उठ के अगर आप सीधा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं,
नथिंग रॉन्ग इन दैट, दैट्स अ आइडियल वे अगेन। और उसके बाद ब्रश करें, क्योंकि पूरे दिन जो कीटाणु आपके दांतों में जमा है आपके खाने को वो खा रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, तो वो आपके डिके भी कर रहे हैं दांतों को और बैड ब्रेड भी क्रिएट कर रहे हैं। वाइन, लेमन, यू नो, ही कॉजेज एसिडिटी, ये चीजें हैं जो कि एसिडिटी क्रिएट करते हैं और हमारे इनेबल जो हमारे टीथ की जो फिल्ट्रेशन लेयर है उसको कमजोर करते रहते हैं। यू नो दिस ऑलवेज अ पेयरिंग ऑफ वाइन एंड चीज, व्हेनेवर यू हैव एनी गोमे फूड और कोई बफे में जाएंगे, एयरोप्लेन में जाएंगे, ऑब्वियसली बिजनेस क्लास में सब मिलता है, लेकिन और किसी पार्टी में जाएंगे तो चीज क्यों पेयरिंग होती है, वाइन इज वेरी एसिडिक, इसलिए चीज है, चीज अल्कलाइन है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है एसिडिटी को। और साथ साथ की कॉफी जो है ये भी बड़े एसिडिक होते हैं, अगर आप बहुत रेगुलर इसका सेवन करते हैं तो ऑब्वियसली स्टमक के एसिडिटी को करते हैं, लेकिन टीथ का इनेबल भी वेयर ऑफ करते हैं। बट अगर आपको लगता है क्लीनिंग करने के बाद भी आपके टीथ में वो चमक नहीं है, जैसे इधर पीले और सफेद है, तो आपका स्किन टोन, अगर आप बहुत गोरे हैं तो डेफिनेटली आपके टीथ आपको थोड़े से येलो लगेंगे, तो ब्लीचिंग एक अच्छा ऑप्शन है, प्रोफेशनल ब्लीचिंग बाय डेंटिस्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा अगर आप बहुत जैसे वेस्ट इंडियंस है, अफ्रीकन है, उनको स्किन टोन वैसे मिला हुआ है कि उनके दांत ज्यादा सफेद नजर आते हैं, यूरोपियन अमेरिकन तो ज्यादा गोरे लोगों के दांत हमेशा आपको कम सफेद फील होंगे, लेकिन वी हैव गुड रेट बाय ब्लीचिंग एंड विनेल। बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे व्हेन यू डू नॉट सी इट स्माइल, ये बड़ा अच्छा निकला था ड्यूरिंग कोरोना टाइम, मास्क पहनिए लेकिन आपकी जो आंखें हैं वो आपकी स्माइल बताते हैं, आपके एक्सप्रेशन बताते हैं, तो आपकी जो स्माइल, आपकी जो भाव है, आपकी आंखें उसको दर्ज करती है, लेकिन मास्क हटाते क्या दिखे? ये बहुत लोगों ने करा है, इनफैक्ट एक एड भी निकला था कि ब्रेसेस करा, गेट योर ब्रेसेस डन ड्यूरिंग कोरोना टाइम, क्योंकि आपको अगर शर्म आती ब्रेसेस वाली स्माइल करते हुए तो मास्क पहना ही हुआ है ना आपने, कई लोगों ने ब्रेसेस शुरू करा है ऐसे मौके पे, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर कोरोना खत्म हो जाए मास्क पहना बंद करें या कम करें, आपके दांत ऐसे नजर आ रहे हैं, प्लीज गेट देम करेक्टेड। Why is dentistry important? Because even though he is missing an eyebrow, the first thing you notice is his smile, the teeth. आप कहीं और नहीं देखे, दांत तो हमेशा नजर जाते हैं ना, आईब्रो नहीं दिख रही, जैसे कई लोग हंसते ही नहीं है, कई बच्चे आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, हंसते ही नहीं है, ये जो इंद्र से नहीं थी, उनको अपनी स्माइल में कॉन्फिडेंस नहीं है, द मिनट दे हैव ब्यूटीफुल स्माइल थी भाई, उसका साइड से दांत टूटे, आप बहुत चमकदार लंबे चौड़े दांत होने चाहिए। परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, ये जनाब नॉर्वे से आए थे, इन्हें बोला डॉग आई नीड अ कैप, ऐसे वाई नीड कैप, ब्यूटीफुल टी, नो आई वांट अ मेटल कैप, इनको था कि मुझे सामने वाले अपना एक टी जो है मेटल कैप का बनाना है, मुझे अगली बार आऊंगा मेरे को आप गोल्ड का बनाएगा राइट साइड का, बड़ी अच्छी प्लानिंग करके आते हैं लोग, साल पहले प्लान कर लेते हैं डेंटल ट्रीटमेंट कराना है और इंडिया आते हैं, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब प्लानिंग की बताते हैं पैसा बचाइए, लेकिन यू नो लोग वहां पर अपनी हेल्थ के लिए भी प्लानिंग करते हैं और सेव करते हैं। Visiting gym for strengthening your muscles and taking care of your health. Why not visit a dentist for your gums and teeth? क्योंकि दांत ही आपका साथ देंगे आखिर तक, ऐसा ना हो कि जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे आपकी हालत हो जाए, 30 साल की उम्र तक आते आते उनके दांत खत्म हो गए थे, एंड थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम ही हैड 4 डेंचर्स, जो कि डेंचर में उनके किस किस के थे, किसी और इंसान के दांत, टीथ, सॉरी आइवरी एंड वुड, इसका कॉम्बिनेशन था उनके पास। डेंचर गो बैक 6000 ईयर्स, बहुत पहले से डेंचर्स बनते आ रहे अलग अलग किस्म के। ये देखिए मैं क्यों ये आपको एक स्केलेटन दिखा रहा हूँ, सॉरी ये 2000 बीसी पुराना है स्केलेटन है, जिसको उन्होंने अनलॉक करा डायमंड, इनके पास एक इनको यू नो दे ऑफरिंग जो डाली आती है उसमें डायमंड के कड़े भी थे, लेकिन आप इनके टीथ की तरफ ध्यान दीजिए, टीथ लास्ट इवन लॉन्ग, और इन दांतों की वजह से इनका डीएनए निकाला गया उनके अंदर के नर्व से, और उससे पता चला कि हाँ भाई ये कौन है, ये आदमी की औरत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फॉरेंसिक से बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये मत समझे कि रिटायर होगा तेरी दांत निकलवा लिया और टेंशन पहन लिया, ऐसा नहीं है, हम नहीं कहते, टीथ लास्ट यू लॉन्गर, आज स्केलेटन खत्म हो जाएगा लेकिन टीथ ही खत्म होंगे, बट अगर आपकी ऐसी हालत हो गई और अगर आपका ऐसे टेंशन है, नहीं ये जमाना निकल चुका है, ये जमाना बहुत साल पहले निकल चुका है, स्माइल करते करते हंसते हुए केक की हवा और केक के कैंडल ब्लो करते हुए टेंशन बाहर आ गया। Implants is one of the best treatment thing. This was developed after World War II by a German scientist.
और उसके बाद पिछले 40 सालों से ये इंटरनेशनली हो रहा है, 20-25 साल से इंडिया में बहुत हो रहा है। आज हम डिस्ट्रिक्ट में जाइए, गांव में जाइए, वहां पे भी एक डेंटिस्ट जो है और वहां पे पेशेंट्स डिमांड करते हैं, डॉक्टर साहब फिक्स दांत चाहिए, निकालने वाला दांत नहीं चाहिए हमें, व्हाई नॉट, ईच शुड बी फिक्स्ड बाय डेंटिस्ट। कॉन्फिडेंस इन द आईज, द मिनट यू हैव योर टीथ, सी द आईज, आप देखिए आंखों में ही वो एक कुमार आ गया कि नहीं, कैसी स्माइल आती है, कई बार टीपी से कॉन्फिडेंस ही नहीं होता लोगों के अंदर। दूसरा वजह, अगर आप टीप कर रहे हैं, यू आर लूजिंग योर जॉब ओन, एंड जॉब ओन की जैसे जैसे कमी होती जाएगी आपके चेहरे में झुर्रियां पड़ती जाएंगी, आपका जॉब कम होता जाएगा। यंग एज सबको यंग दिखना है और मोड़ा लगाना है, तो साथ साथ आपको तो इसके लिए आप बचपन से शुरुआत करिए, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, उनको पहले से ही दिखाइए कि डेंटल चेकअप रेगुलर। प्लीज देखिए, हम कुछ भी करते हैं, बच्चा कुत्ता आ रहेगा, अरे वो आ रहेगा, अरे तो इंजेक्शन लगवाने ले जाए, प्लीज डर मत पैदा करिए अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बच्चे इसीलिए डर के मारे डेंटिस्ट के पास नहीं आते, अरे मैं सुई लगाने नहीं बैठा हूँ, बच्चों का सुई नहीं बैठे, पापा मम्मी को पहले सुई लगाऊंगा, सुई लगाते हैं। चाइल्डहुड इटसेल्फ को ले जाइए, उस माहौल की एक आदत डालिए। जो बच्चे मेरे पास 2001 में आते थे, सॉरी मैं बता रहा हूँ, मुझे 2099 दिसंबर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2001 में तो बच्चे आ जाते थे, उन बड़े हो गए, शादी को अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, 6 या 7 में। चिल्ड्रन टीथ आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट, क्यों आप ये देखिए, इसे पॉइंटर नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे ये सारे मिल टीथ है, इसके नीचे पक्के दांत आ रहे हैं, पक्के दांत दूध के दांतों का इसलिए रहना जरूरी है कि वो पक्के दांतों को गाइडेंस देते हैं कि मुंह में कैसे आएंगे, तो दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, बाद में मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं, खाना बच्चे ने भी खाना है, पीडियाट्रिशियन आते हैं, डॉक्टर कुकरेजा इज वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन इन इटली, राजीव बच्चा को खाना नहीं खा रहा, जब देखी हुई मैं तो उसे देखता हूँ, वो बच्चे की टीथ में इतनी सारी कैविटीज है, वो रफेज और हार्ड चीजें खाना ही छोड़ देता है, सिर्फ बिस्किट और चिप्स पे रहता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो ग्रोथ कैसी होगी, बच्चा पतला रहेगा। सो ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन की सर्वे है कि फाइनली मुझे 8 out of 10 चिल्ड्रन सफर फ्रॉम मेजर ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, क्यों, क्योंकि आप उनको हमने डरा के रखा है, ये हम बच्चों के दांतों की परसेप्शन है, अरे दूध के दांत डॉक्टर क्या फर्क पड़ता है, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं माँ बाप को, अरे क्या कर रहे दूध के दांत गिरे, अरे भाई आप लोगों ने गन्ने चबाए, अमरूद खाए, रफेज खाया, उससे टीथ नेचुरल, आज के बच्चों के पास ये सब है, मैंने पेड़ से तोड़ तोड़ के फ्रूट्स खाए हैं, मैं खेत में गया हूँ गन्ने तोड़ के खाए, लकी लिया वाज इन सच सिटीज, लेकिन दिल्ली में मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी बिटिया के लिए, मेरे को खेत नहीं मिला कि यहाँ गन्ने तोड़ो, यहाँ पेड़ में पत्थर मार के फल तोड़ के खाए, तो प्लीज आप रफेज पे ध्यान दीजिए, खुद भी और अपने बच्चों के लिए। A simple perfect example that being alone is better than being with the wrong person. Life में ये भी है, लेकिन मुंह में क्या importance है? एक दांत अगर कैविटी शुरू हुई और आपने नहीं filling कराई time पे, वो साथ ले दांत नहीं फैल जाए। The individual animal with the most human kills ever was a tiger from northern India, which adjusted its hunting strategy to kill people after tooth injury left unable to hunt. Normal prey was shot after estimated 436 years. Luckily, आदमी इतना हिंसक नहीं हो जाता कि वो 500 लोगों को माथे खा जाए, लेकिन टाइगर जेल हो गया था। डेंटल पेन इज दैट बैड, आई होप आप किसी ने कभी एक्सपीरियंस ना करो, ना करें, टाइम पे डेंटिस्ट पे आइए। इंडिया इज द फाउंडर ऑफ शुगर, आपको पता है हम हिंदुस्तानियों ने पहले शुगर केन जूस से मीठा रस बनाया और उसके बाद उसको पूरे वर्ल्ड को दिया और रिफाइंड फॉर्म में शुगर दोबारा इंडिया में आई। बाकी बाहर के लोग आजकल शुगर कम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे शुगर से अगर अगर आप टाइम पे दांत नहीं ठीक कराएंगे तो उसका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। अरे भाई मैं ज्यादा महंगा नहीं हूँ, आप जिस परिस्थिति में होगे तभी तो वो खर्चा बता रहा हूँ। आप रेगुलर चेकअप कराओ ना, मात्र 500 रुपए 300 रुपए चेकअप, कई लोग तो फ्री में भी डेंटल चेकअप कर देते हैं। आप फिलिंग कराओगे मे भी कुछ 100, अगर आप रूट कनाल करा लोगे तो 1000 रुपए, अगर नहीं कराओगे रूट कनाल तो फिर इम्प्लांट की बारी आ जाएगी। सोल्यूशन इज देयर बट कॉस्ट इज अकॉर्डिंग। रूट कनाल मैं जाना, लेकिन फिलिंग बड़ी अच्छी लाइन की थी बच्चों ने, पेन लेस पेन लेस डेंटिस्ट्री इज अ रॉन्ग एड, नो पेन डेंटिस्ट है, हम कम पेन देंगे लेकिन पेन लेस डेंटिस्ट्री नहीं पॉसिबल है। प्लीज एनएससीसी आपको देता है, इंजेक्शन से डर कर डरोगे, इंजेक्शन में एक बार दे दिया एनएससीसी कर दिया तो डेफिनेटली आप पेन फ्री रहोगे।
बट अनकंफर्टेबल हो। एक समय था जब स्कूल के बाहर व्हाइट पेंसिल से खेलने लगते थे, पीने खा खा के अपने बचपन अपना स्कूल का टाइम निकाला। आजकल तो बर्गर पिज्जा चिप्स अगेन इन द स्कूल्स। विटामिन सी के खेले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती तभी आप चूइंग अच्छी तरह कर पाते हैं। आप किसी को हंसिए, दूसरे बातें करिए, हंस दीजिए, आप देखिए कैसे सब कुछ ठीक कर देगा, इससे आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा हो जाएगा। परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, हिंदुस्तानी स्माइल और उसके ऊपर, ये मैडम सफेद दांत चाहती थी और वो जनाब चाहते थे कि मेटल आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, इवन डायमंड स्टड्स भी पुट ऑन द टीथ, सो उसकी लगाते हैं टीथ के ऊपर। कई लोग पूरे पूरे डेंचर्स अपने गोल्ड के बनवाते हैं। मेरे पास यहाँ अगर आप किसी को रेफर कर सकते हैं प्लीज रेफर करिए। सिंपल डेंटल ट्रीटमेंट, आप देखिए गम का ट्रीटमेंट कर दीजिए, जितना गम ज्यादा नजर आ रहा है इससे टीथ कम नजर आ रहा है, इसलिए स्माइल कम है, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा गम हमने हटा दिया तो ब्यूटीफुल स्माइल क्रिएट हो गई फिर नीचे। यू आर यूनिक, सो आर योर टीथ, आपके दांत आपकी जॉ शेप यूनिक है। परफेक्शन, आवर एटीट्यूड इज परफेक्शन प्रोसीजर। ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरे को बोला गया घर में कि भी मेरी हेल्प करो, किचन में मेरी वाइफ ने बोला, मैं तो अपना इतना परसेप्शन इतना डीप चला गया, मैंने मैं दिखाई कि माइक्रोस्कोप में ऑमलेट बना रहा हूँ, बट मतलब ये इतनी डीप स्टडी, इतना इतना परफेक्शन जैसे क्लिनिक में हम करते हैं, वो कह रही थैंक यू, प्लीज गेट आउट ऑफ द किचन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगेन मैं बच्चों के बाद सीधा प्रेगनेंसी में जाता हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज के गम्स स्वेलअप हो जाते हैं, ब्लीडिंग नॉर्मल होती है, प्लीज जब भी आप शादी करने लगे प्लीज उसके पहले अपने डेंटल चेकअप जरूर कराएं। आई हैड कपल्स इमीडिएटली आफ्टर मैरिज, डॉक्टर साहब दांत ठीक कर दो, स्मेल बहुत आती है, तो डिवोर्स पक्का है। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, ये है, ये होता है। प्लस आप बच्चे के, आपकी अगर मदर का माउथ ठीक नहीं है, इन्फेक्शन है, वो बच्चे की ग्रोथ को इफेक्ट करता है, इट इज अ प्रूवन थिंग। इंटरनेशनली वुमेन गायनेकोलॉजिस्ट रेफर देयर यू नो प्रेग्नेंट गर्ल्स to the dentist also, okay, go and get yourself tested, your teeth clean, okay, that affects majorly. Braces, again मैं teenagers पे आ जाता हूँ, braces क्योंकि हमारे human beings हम change हो रहे हैं, हमारी mutations बहुत हो रही हैं, jaw size बदल रहे हैं, इस समय braces की ज़्यादा ज़रूरत है, fixed braces और dual braces, choice is yours. कई लोग बोलते हैं कि सेलिब्रिटीज की फोटो बताओ, ये सब कौन आपके पेज में, तो मेरे सेलिब्रिटी मिस्टर अशोक मीना है दिल्ली पुलिस के, लाल किला पे जब हमला हुआ 26 जनवरी को, ही वाज वन ऑफ द फ्रंट लाइन, तालियां बजा दीजिए, इन्होंने सपोर्ट किया, पेन था इनको, ये बेचारे आ नहीं पा रहे थे, 3 दिन बाद ये घर नहीं गए, पहले क्लिनिक पे आके डॉक्टर साहब बचाओ दांत को, वैसे परेशान हो गया बेचारे, अपनी जान को भागे थे ये लोग। मैंने दिल्ली पुलिस हमारी इतनी सेवा कर रही है, वी शुड सपोर्ट देम ऑल द वे वी कैन। फोटोग्राफ नहीं शेयर करने देते, मना करता हूँ मेरी फोटो नहीं लेना। यू आर व्हाट यू ईट, योर प्रॉब्लम्स साइड विद फिजिकल मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल प्रॉब्लम्स। अरे आपको खाना खाना है, कमा लेंगे, अच्छे घर में रह लेंगे, अच्छा मेकअप कर लेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी, आपको बहुत सारे पैसा मिल जाएगा इन्वेस्ट करा हुआ, लेकिन वो पैसा किस बात है अगर आप खाना ही नहीं खा पा रहे अच्छी तरह। अनदर प्रॉब्लम की ब्रक्सिज्म, टीम नाइट ग्राइंडिंग, आज कल बहुत स्ट्रेस में है, पहले हर चौथा पांचवा बंदा जो शहर में था रात को दांत पे टुटाता था, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, खराटों से ज्यादा लोगों को कटाने की बात आती है, बच्चों में जो अक्सर दिखती आती है प्रॉब्लम, क्योंकि पेट में वर्म हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में भी शुरू हो गया है अराउंड टीनेजर्स, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं, एडल्ट्स भी रहते हैं, यू नो दीस काइंड ऑफ ग्राइंडिंग कैन लीड टू जॉ पेन, हेडेक्स, आई पेन, नेक एंड शोल्डर पेन, यहाँ शुरू होता है यहाँ चुई मसल से, वो सर पे जाता है, सर से पीछे की मसल पे जाता है, फिर नेक पे जाता है और बैक में जाता है, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दीस थिंग्स, क्योंकि दांत ना होने की वजह से आपकी मसल्स फटीग में रहती है। ये हम डेंटिस्ट हैं, वी ऑलवेज लुक लाइक द सेम, चाहे हमें बाकी हैव टू बी लाइक दिस, हैव टू बी, वी आर लाइक दिस, वी आर अवेलेबल इन ऑल सीजंस एंड एवरीवेयर। गुड बाय, माय गिफ्ट फॉर द, ओके यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ, गिफ्ट्स, ये स्पेलिंग हो गया।
इनकी गिफ्ट है, फोटो खींच सकते हैं। नंबर्स मैं दूंगा जब मुझसे आर्ट टू बी होगी। हाँ ये बिल्कुल तभी देनी है। एबीपी आस्क रेफरेंस प्लीज रेफर। कितने लोगों ने रेफरेंस स्लिप भरी है? भरी है जल्दी से। ऑलवेज रिमाइंड दैट इन योर माइंड प्रैक्टिस द हैबिट ऑफ ओरल हेल्थ लाइक ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, अवॉइड शुगर एंड चेक योर डीटी। गुरुदेव तो अपने दूंगा अभी फिलिंग कराया है। मेरे भी गुरुदेव मेरा भी नाम है। फेलोशिप इन प्लांटोलॉजी एंड मुझे भी जाना है। हमने आपको वहीं से लाए हैं। वहीं से मेरी मोटिवेशनल टॉक इन्होंने लगवाई थी रोटरी क्लब में। सर से मिलवाया मैं बड़ी इनको मिलकर चुका था। थैंक्स टू यू मिल गए। आई हैव बीन पोल टेकिंग द पोलियो कैंपेन फॉर पास 11 इयर्स। अच्छा सर रोटरी का लगा हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स है। प्लीज इज अ रूट ट्राई ना चाहते। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार ताली। नॉर्थ इंडिया में कोई डेंटिस्ट पैनल पे नहीं है। आई एम द ओनली डेंटिस्ट का पैनल ऑफ द कॉर्पोरेट हेड द डायरेक्टर्स इन द सीएमडी जस्ट ट्रस्ट इज देयर ऑफ देम ऑन मी दैट्स व्हाई दे केप्ट मी लाइक दैट। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। वंदे मातरम। डॉक्टर साहब के लिए तालियां कम है भाई। हमारे यहाँ पे हम एजुकेशन पे जोर देते हैं। मेंबर्स को हम